हेलो लोंडो लाइट्स को आज के दोबारा से एक और वीडियो के साथ। तो आज के आपको मैं देने वाला हूँ टॉप 5 बेस्ट एड ऑन फॉर माइंड का पॉक एडिशन, और जो हमारे 1.20.70 अपडेट नया है उसमें भी ये चल जाएंगे। तो लेट्स को दिखाता मैं कौन कौन से ये एड ऑन सारे के सारे। लेट्स को वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ भाई चैनल पर सब्सक्राइब जरूर से कर देना है, एंड वीडियो अच्छी लगती है लाइक करना एंड उसके दोस्तों से शेयर करना, एंड जो बेल नोटिफिकेशन का आइकॉन है उसको ऑल करना भूलना मत। तो लेट्स को पिछली वीडियो में आपको मैंने दिया था क्राफ्टेबल निद्राइट हॉर्स आर्मर, तो उसके वीडियो के नीचे बहुत कमेंट आए थे कि भाई दूसरे आर्मर का भी दे दो। एंड बेसिकली ऐसे मैं बोल तो जैसे रहा हूँ कि कमेंट इतने सारे आए कि मेरे 50-30 हज़ार व्यूज आ जाते हैं, 1000 व्यूज नहीं आते भाई मेरे, 200 व्यूज आए थे किसी ने कमेंट में, नहीं बताया था बट मैं दे रहा हूँ तुम्हें। तो आज के आपको मैं देने वाला हूँ फर्स्ट आइटम का नाम है क्राफ्टेबल हॉर्स आर्मर, जिसमें तुम उसका गोल्ड का होता है, आयरन का होता है, लेदर का होता है, डायमंड का होता है, सारे के सारे क्राफ्ट कर सकते हो। तो नॉर्मली बेसिकली इनको ले लेना, लेने के बाद जो हमारा ये रहता है क्राफ्टिंग केबल उसको खोलना, देख सकते हो मैं सरल में हूँ, एंड इसको खोलो, खोलने के बाद आ सकते हो यहाँ पे, तुम इसको क्राफ्ट कर सकते हो। लेदर का ये है, आयरन का, और यह है गोल्ड का, और यह है डायमंड का। एंड जो निदराइट वाला मैंने दिया था उस आयरन को भी इसमें ऐड कर लेना ताकि तुम वो वाला भी क्राफ्ट कर पाओ साथ साथ। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया लोन लगा मुझे, तुम्हें कैसा लगा बता देना। एंड हाँ भाई तुम कमेंट ही नहीं करते, पिछली वीडियो में किसी ने कमेंट नहीं किया था, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ भाई कमेंट कर दो यार, बता दो मुझे। एंड लेट्स गो, जो हमारा नया अपडेट आया माइनक्राफ्ट में 1.20.70 उसके ऊपर तुम्हें सरल वाली वीडियो चाहिए तो बता देना, उसमें कुछ नई चीज़ ऐड हुई है, स्ट्रक्चर से ऐड हुए और एक नया वेपन ऐड हुआ है जिससे तुम वार्डन को वन हिट कर सकते हो भाई। जो लौंडा पूरी दुनिया की हिलाता है भाई उसको तुम वन हिट कर सकते हो लिटरली। तो लेट्स को बता देना, चलते हैं हमारे वीडियो के सेकंड आज के वीडियो के सेकंड की तरफ को, जिसका नाम है 3D ओर्स। तो तुम बेसिकली देख सकते हो क्या ही ओर दिखते हैं 3D ओर में, तुम्हें दूर से ही दिख जाएंगे अगर तुम केव में होंगे, और ये ऐसा नहीं कि मैंने खुद लगाया है तभी दिखेंगे, नहीं तुम नॉर्मल नेचर जो स्पॉन होंगे हमारे ओर्स उसमें भी ऐसा ही दिखेंगे। तो देख सकते हो कैसे हमारा आयरन का दिखेगा, डायमंड का दिखेगा, ये है गोल्ड, एमरल्ड, फिर रेड स्टोन और लैपिस लाजुली, फिर कॉपर, ये क्वार्ट्ज नेदर का, नेदर के गोल्ड, और इसमें एक बढ़िया चीज़ है इसमें नेदरराइट का भी दे रखा है, देख सकते हो तुम ये नेदरराइट है जो पीछे है मेरा, और ये रहा कोल। तो ये बहुत ही बढ़िया दिखते हैं रात के टाइम पे, और तुम क्यू में जाओगे अंडरग्राउंड क्यू में तो तुम्हें दूर से ही दिख जाएंगे क्योंकि ये हाईलाइट होते हैं भाई 3D ओर से, देखो ना क्या ही क्लस्टर दिखते हैं इनके। तो मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगे क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल है तुम्हारे लिए सरायल में। तो लेट्स को बस यही था इस एड ऑन के अंदर, एंड तुम्हें कैसा लगा एड ऑन बता देना कमेंट में, तुम कमेंट तो करते नहीं हो। तो लेट्स गो, एंड ये सारे डाउनलोड लिंक तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और ये जो एड ऑन दे रहा हूँ मैं सारे के सारे इनको वर्क कर रहा हूँ, तो एक्सपेरिमेंटल मोड को ऑन करना भूलना मत क्योंकि ये मेड होते हैं भाई, माइंड का फुल ऑफिशियल ही नहीं देता, खुद नहीं देता इसको, तो उसका करना पड़ता है। तो लेट्स को चलते हुए, तो लेट्स लोंड आ चुके हैं हमारे वीडियो के थर्ड के ऊपर, तो जिसका नाम है स्ट्रेट पेन। ये चीज़ है कि तुम जो ब्लॉक होते हैं हमारे माइनक्राफ्ट के तो नॉर्मल देख सकते हो, ये ग्लास है, फैंस है, फिर ये ब्रिक है, और ये गेट है हमारा, फिर से ब्रिक है, फिर ये कोबल स्टोन और स्टोन और लीव्स को तुम कलर कर सकते हो, इनको पेंट कर सकते हो नॉर्मली। तो तुम्हें ये सारी चीज़ें क्राफ्ट कर लेनी है, क्रिएटिव में से मिल जाएगी और क्राफ्ट भी कर सकते हो, ये सारे जो कलर है तुम क्राफ्ट कर पाओगे। और उसके दो ब्रश है, एक प्रीमियम वाला ये वाला है और ये नॉर्मल ब्रश है, तो इन दोनों को तुम्हें क्राफ्ट कर लेने ले लेने, और तुम डायरेक्ट इनको कलर वाले ब्लॉक भी बना सकते हो, देख सकते हो ये है, और तुम इनके स्लैब्स को भी कर सकते हो कलर डिफरेंट, देख सकते हो लीव्स को, सारी चीज़ों को। तो नॉर्मल में दिखा देता है कैसे करते हैं, तो भाई ये भी ठीक है, ये रहा, आओ इधर ये रखो, बाल्टी है जो बकेट है इसको रख दो, रखने के बाद इससे तुम अगर भाई चीचा इसमें ऑरेंज कलर कर रखा है शायद तक, सॉरी, तो देख सकते हो मैंने पहले ही ऑरेंज कलर कर रखा था, वो बाल्टी गिरी वो ऑरेंज कलर की गिरी, इससे तुम बेसिकली कितनी बार कर सकते हो भाई, ये देखो इनको भी कर सकते हो, गेट को भी कर सकते हो, इसको क्राउच करके करना पड़ेगा, ओके ये वॉल पे नहीं होगा, डिफरेंट इसको करना पड़ेगा अलग से, भाई चीचा वो जाना हो गया, वे दिख ही नहीं रहा इसमें, तो ये भी ठीक है, कलर ख़त्म हो गया क्या, ओके ब्रश कहाँ गया मेरा, मेरा बढ़िया है, चलो ग्रीन कलर देखो, इससे ग्रीन कलर भी कर सकते हो, और जो प्रीमियम वाला ब्रश है उससे ज़्यादा लॉन्डो को कर सकते हो, इसमें कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा,
और क्रिएटिव में इसलिए कर पा रहा हूँ। तो देख सकते हो बहुत ही सारे कलर है, तुम कर पाओगे सारे के सारे। अभी क्रॉस करके वाइट वाला करके देख लेते हैं, शायद तक एक ब्रश पे एक ही लगता है, दूसरा लगता ही नहीं है, इसको ख़त्म होने देना पड़ता है। तो लाइट्स को देख सकते हो बहुत सारे डिफरेंट कलर है भाई, बहुत ही कलर है। और तुम डायरेक्ट ब्लॉक को भी शायद तक ऐड कर सकते हो कलर से, तो लाइट्स को जाके देख लेना, बहुत ही बढ़िया चीज़ है, अगर तुम्हें डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए काम आएगा और बहुत सारे बिल्ड के लिए काम आएगा। तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, तुम्हें कैसा लगा बताना। और तुम गेट को भी कर सकते हो पेंट, ये मेरे में नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या चीज़ है इसका। तो लाइट्स को बस यही था, एंड ये सारी चीज़ें तुम्हें रेसिपी चाहिए तो इस बंदे का मैंने क्रेडिट दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में चेक कर लेना, वहाँ पे जाके चेकआउट कर लेना, उसकी वेबसाइट पे इसने सारी चीज़ें डाल रखी है, इसको कैसे कैसे क्या करना है। एंड तो लाइट्स को बस यही था इस आइडन के अंदर, चलते हमारे वीडियो के फोर्थ आइडन की तरफ। लाइट्स को लॉन्ड आ चुके वीडियो के फोर्थ आइडन के ऊपर, तो उसका नाम है लाइट इट अप। तो बेसिकली इसमें ये है कि ऊपर से ज़्यादा लैंटर्न डिफरेंट कलर के ऐड किए गए इसमें, तो बेसिकली डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए काम आएगा। स्क्रॉल डाउन करो नीचे मिल जाएंगे, और इनको तुम क्राफ्ट भी कर सकते हो, देख सकते हो इतने सारे कलर के आए, तो इनको लेना। लेने के बाद तुम इधर रख सकते हो नॉर्मली, देखो ऐसे रखो, तो डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए काम आएंगे, डिफरेंट तुम्हें लगेंगे अच्छे भाई, लगा ले मेरी जान। ये रहा ब्लू वाला लगाया, फिर ग्रीन वाला लग जा, देखो ग्रीन वाला है, ये ब्लू वाला है, तो ऐसे ऐसे डिफरेंट कलर के आया है, तुम जाके चेकआउट कर सकते हो तुम्हें कैसे लगे। एंड देख सकते हो हाथ में तो बहुत ही छोटे दिख रहे भाई, ये भी ठीक है। और ये रहेगा, और ये लगा दे, रेड वाला हो गया, फिर भाई कौन से कैमरे में दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें, और ये ब्लैक वाला है, ये तो लगाया भाई हमने, सुमराइट, ओके सुमराइट वाला भी है, बढ़िया है भाई। ब्लू वाला भी लगाओ, ये वाला भी लगाओ, हो गए सारे तो लगा दिए मैंने, और ये पर्पल वाला, ये पर्पल वाला मेरा फेवरेट कलर है। लाइट्स को देख सकते हो सारे के सारे मांडोली लगा ली मैंने। हम तो छोटे लोग हैं, हम तो सिर्फ वीडियो ही बना सकते हैं। बढ़िया, ये बहुत ही बढ़िया लगेंगे अगर तुम दीपावली के टाइम ये एडन यूज़ करते हो या फिर क्रिसमस के टाइम, डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए भाई बहुत ही बढ़िया दिखेगा। तो लाइट्स को बस यही था इस एडन के अंदर, एंड यस अभी तक देखा हो वीडियो तो प्लीज़ भाई फोर्थ एडन आ गया, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, हो सके दोस्तों शेयर करना, एंड बैलेंस आइकन कॉल करना भूलना मत। लेट्स को चलते हमारे वीडियो के लास्ट आ चुके हैं वीडियो के लास्ट ऑडियो की तरफ को, जिसका नाम है बेसिकली दिख ही रहा होगा अंधेरे में खड़े माइनर हेलमेट, तो हाथ में दिख रही है डिफरेंट टाइप के हेलमेट, तो आ जाओ इसमें दिखा देंगे दिलवा देंगे। तो ये रहा डायमंड का हेलमेट है, फिर ये है नेदरराइट का, ये कौन सा आयरन, फिर ये चेन माइनर, फिर ये गोल्ड का। तो बेसिकली ये सारे तुम्हें हेलमेट मिल जाएंगे, हेलमेट लगाने के बाद देख सकते हो ये लाइट लग जाएगी, ये माइनर हेलमेट है जिसका नाम है, तुम्हें डायनेमिक लाइट देगा अगर तुम माइन करने जा रहे हो अंडरग्राउंड। और एक हेलमेट में कैंडल लग रखी है भाई, ये भी ठीक है, बहुत ही बढ़िया है भाई, क्या ही चीज़ है भाई, बहुत ही बढ़िया बना रखा है। तो तुम अगर अंडरग्राउंड जाओगे माइन करने के लिए, तो वहाँ पे तुम्हें काम आएंगे, देख सकते हो डिफरेंट ड्यूरेबिलिटी के साथ दिए। अगर तुम आयरन का पूरा सेट हो तो आयरन का बना सकते हो, चेन मिल का है तो चेन मिल का बना सकते हो, नेदरराइट का देखो ये भी है भाई, ये तो क्या वॉरियर जैसा लग रहा है। और ये है हमारा स्टोन का तो नहीं है ना, और ये है गोल्ड का। तो बेसिकली देख सकते हो बहुत ही बढ़िया डिफरेंट टाइप के, तो ये डिफरेंट आर्मर इसलिए बनाया ताकि तुम्हारा सेट कंप्लीट हो पाए, डायमंड के साथ डायमंड का और नेदरराइट के साथ नेदरराइट का। तो बेसिकली बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि देखो भाई अभी इसको हटाते ही देखना क्या अंधेरा होता है, अंधेरा देखो, इसको लगाते ही डायनेमिक लाइट, और मूव करोगे तो मिलेगा तुम्हें डायनेमिक लाइट, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा है, देखो। तो भाई क्रीपर फाड़ दिया भाई, मुझे लगा मैं सर्वाइवल, कोई ना। तो लाइट्स को बस यही था इस आयरन के अंदर, मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगा आयरन, क्योंकि डायनेमिक लाइट देता है, माइनिंग के लिए काम आएगा। तो लाइट्स को बस यही था इस आयरन के अंदर एंड आज की वीडियो के अंदर, तो लाइट्स को यहीं पे समाप्त होती है आज की वीडियो। तो चैनल पर हो तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब करके जाना, सारे के सारे आयरन देखो अच्छे लगे हो, मॉड अच्छे लगे हो, लाइक कर देना वीडियो को, हो सके तो शेयर करना, एंड जो बैलेंस आइकन है उसको ऑल पर ना भूलना मत, ताकि और भी कोई ऐसे ही नई वीडियो आए भाई, व्हाट द फक क्या हुआ यार, ऐसी कोई नई वीडियो आएगी तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो लेट्स मिलता तुम अगले में, तब तक ले बाय बाय, टाटा सी यू टुमारो, सायोनारा। एंड प्लीज़ भाई कमेंट करते रहो, तुम कमेंट नहीं करते हो तो कोई भी प्रॉब्लम है, कोई नया ऐड ऑन चाहिए तो मुझे सजेस्ट करना कमेंट में, मैं दे दूंगा, ला दूंगा उसका वीडियो। तो लेट्स को मिलते तो अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टाटा सी यू टुमारो, सायोनारा। एंड क्रीपर भी बोल रहा है सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब ठोको चलो, एंड जो कुछ भी करते हो करते रहो, बाय बाय, सायोनारा, जय श्री राम, बाय बाय। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।